फास्टिंग या रोजे की छह स्टेजेस और हर स्टेज में बॉडी में क्या तब्दीली आ रही होती है फास्टिंग की अहमियत पे पिछली वीडियोस में डिटेल में बात हुई है आज इस वीडियो में मैं फास्टिंग की स्टेजेस पे बात करूंगा पहली स्टेज आती है आठ से चौदह घंटे के दौरान तो जिसमें ब्लड शुगर लेवल स्टेबल होने लगता है ब्लड में अगर शुगर बढ़ी हुई है तो ये नॉर्मल होने लगती है क्योंकि इस स्टेज में बॉडी ब्लड में मौजूद शुगर को और जो मसल्स में स्टोर्ड शुगर है जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं इसे इस्तेमाल करने लगती है जिसकी वजह से बड़ी हुई शुगर का लेवल नीचे आने लगता है अब ये शुगर आती है कहाँ से जब हम कुछ खाते हैं तो बॉडी इस खाने को तोड़ के ब्लेंड करके ग्लूकोज में तब्दील करती है और ग्लूकोज ही शुगर है जिस तरह गाड़ी को पेट्रोल चाहिए होता है चलने के लिए इसी तरह बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है नॉर्मल फंक्शन करने के लिए दिन भर के काम करने के लिए बॉडी का फ्यूल या पेट्रोल जो है वो शुगर है तो पहले आठ से चौदह घंटे में ये होता है अब दसवें घंटे में बॉडी जो पहले शुगर को इस्तेमाल कर रही थी अब चूंकि शुगर कम होती जा रही है तो बॉडी अब पचास परसेंट ग्लूकोज और पचास परसेंट फैट इस्तेमाल करने लगती है ये वो फैट है जो बॉडी में स्टोर्ड है ज्यादा खाने की वजह से जब भी कोई इंसान अपनी रोजाना की जरूरत से बढ़ के कैलरीज खाता खाना खाता है तो ये एक्स्ट्रा बॉडी में फैट बन के स्टोर्ड हो कैलोरी और फिर एमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए इस फैट को रिजर्व के तौर रखा जाता है कि जब खाना कम मिले तो बॉडी इसे इस्तेमाल कर सके अब पचास परसेंट ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा है और पचास परसेंट फैट इस्तेमाल हो रहा है ये वो स्टेज है जिसमें बॉडी में एक बड़ी तब्दीली का आगाज हो जाता है अब बॉडी आहिस्ता आहिस्ता शुगर छोड़ के फैट की तरफ जाने लगती है फैट बर्न होता है और फिर अगली स्टेज है चौदह से चौबीस घंटे के दौरान इस स्टेज में बॉडी यूज टू हो चुकी होती है फैट को एज अ फ्यूल सोर्स इस्तेमाल करने में इसे ये फैट अच्छा लगने लगता है इसकी एक वजह ये भी है कि फैट से बनने वाला फ्यूल प्रीमियम फ्यूल प्रीमियम होता है कहते हैं और शुगर से बनने वाला फ्यूल जो कि ग्लूकोज है ये बॉडी के लिए नॉर्मल फ्यूल है तो बॉडी डेफिनेटली प्रीमियम फ्यूल चूज करती है तो लिवर बॉडी की मदद करता है और फैट को किटोन में बदलने लगता है जिसका रिजल्ट यह निकलता है कि अब क्रेविंग्स खत्म हो जाती है भूख कम हो जाती है बॉडी जो शुगर पर डिपेंड कर रही थी अब यह डिपेंडेंसी कम हो जाती है क्योंकि अब इसे प्रीमियम फ्यूल या ऑल्टरनेट फ्यूल सोर्स मिल चुका है एनर्जी बाहर

ंग के बाद नई प्रोटीन्स बन रही होती है इसका मतलब यह है कि बॉडी में सफाई का, का काम चल रहा होता है और नकारा सेल्स और प्रोटीन्स जो किसी काम की नहीं है उल्टा जगह घेरे हुए है और कुछ तो बीमारी की वजह बन रही है इनमें से कुछ को बॉडी रिपेयर करती है कुछ को रिसाइकिल करके इन्हीं से नई प्रोटीन्स बनाती है। और अटोफेजी के बारे में हैरान करने वाली बात यह है कि रिसर्च के मुताबिक अटोफेजी में बॉडी में अगर कैंसर सेल्स मौजूद है तो अटोफेजी इन कैंसर सेल्स को भी मारती है क्योंकि कैंसर सेल्स असल में डैमेज सेल्स ही नॉर्मल सेल्स जिनमें खराबी पैदा हो चुकी है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में भी कमी होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस असल में पोल्यूशन है जो बॉडी में सेल्स को खराब कर रही है तो फास्टिंग में इसके असरा कम होने लगते हैं अदरवाइज ये फ्री रेडिकल्स बॉडी को अप कर देते हैं जिससे फिर क्रॉनिक डिजीजेस जन्म लेती हैं। है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अब नेक्स्ट है स्टेज फाइव और ये अड़तालीस से साठ घंटे इस पॉइंट पे बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत बेहतर हो जाती है सेल्स रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं इंसुलिन स्पाइक खत्म होने की वजह से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है जो कि बहुत कॉमन है इंसुलिन बॉडी में काम ही नहीं करती ये इंप्रूव होने लगती है एक्टॉफेजी और बढ़ जाती है जिससे फिर इन्फ्लेमेशन

स्टेम सेल्स बन रहे होते हैं और इस पे 2014 में एक स्टडी सामने आई जिसमें क्लेम किया गया कि बहत्तर घंटे की फास्टिंग से आप अपने पूरे इम्यून सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं इम्यून सिस्टम बिल्कुल नया हो जाता और उन लोगों पर भी इसका असर देखा गया जो कीमोथेरापी से गुजर रहे थे इनमें कीमोथेरेपी से होने वाला डैमेज काम देखा गया तो ये है फास्टिंग की छह स्टेजेस अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए फास्टिंग बहुत आसान है और मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ अपना ख्याल रखिए आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में